दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी अगर हमें हमारे कंप्यूटराइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड सीए को या फिर टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट को अगर भेजना पड़े तो हम उसको किस तरीके से भेज सकते हैं हमारे कंप्यूटराइज्ड बुक्स का रिकॉर्ड। तो दोस्तों, मान लीजिए आप चाहे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, या फिर आप मार्क जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, या इसके अलावा अदर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपकी बुक्स के अंदर, मान लीजिए आपके पास टेली सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, तो आपकी लिस्ट ऑफ कंपनी में काफी सारी कंपनी है, आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, अगर आप चाहते हो भी उसमें से पर्टिकुलर एक कंपनी का ही रिकॉर्ड आपको सीए को सेंड करना है, तो हमें उसको किस तरीके से सेंड करना होगा। तो दोस्तों, क्या हमें पूरा का पूरा डेटा फोल्डर हमें सेंड करना पड़ेगा, या फिर हम केवल इंडिविजुअल यानी कि सिंगल कंपनी का रिकॉर्ड भी हम सीए को किस तरीके से भेज सकते हैं? तो आपको मैं अलग अलग तरीके इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो, आप पहली बार किसी कंपनी की ऑडिट करा रहे हो कंप्यूटराइज्ड बुक से, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, साथ पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हम बारी बारी से तीनों सॉफ्टवेयर का डाटा हमें किस तरीके से सेंड करना होगा वो हम सीखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों, जैसा कि हम कंपनी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो जाती है, इसमें काफ़ी सारा डाटा हमारे पास ओपन रहता है, हम अलग अलग कंपनी की अलग अलग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, तो उसकी कंपनी हमारी लिस्ट ऑफ कंपनी में ऐड होती रहती है। अब मान लीजिए आपको जो ऑडिट करवानी है वो केवल एमएस इंटरप्राइजेस कंपनी की ही करवानी है, यानी कि अब आप चाहते हो भी केवल सीए के पास में या टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट के पास आपका ये केवल एमएस इंटरप्राइजेस का ही रिकॉर्ड उनके पास पहुंचे, बाकी का डाटा आपके पास ही रहे, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, तो सबसे पहले आपको जिस कंपनी का रिकॉर्ड आपको सेंड करना है सीए को, तो उस कंपनी का कोड आप नोट कर लीजिए, मान लीजिए जैसे कि 10006 है, और आपके जो डाटा का पाथ है यानी कि जो डाटा की लोकेशन है वो इस लोकेशन पे आपका डाटा सेव हुआ है। तो सबसे पहले हम इस डाटा के लोकेशन पे चल जाते हैं, तो इसके लिए हमें सी ड्राइव पे जाएंगे, सी ड्राइव पे जाने के बाद यूज़र, यूज़र के बाद में पब्लिक और टेली प्राइम का, और प्राइम में डेटा का फोल्डर। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो हमें नोट किया था वो 10006 नंबर कोड का डाटा हमें सेंड करना है। तो अगर आपके पास इस कंपनी का यानी कि ये जो डाटा है आपका डाटा, ये अगर इसकी फाइल शॉर्ट फाइल है, जैसे कि ये इसका फाइल का हम साइज़ देख लेते हैं, यानी कि 297 KB का डाटा है, यानी कि बिल्कुल छोटा सा डाटा है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके, आपको कट नहीं करना, कॉपी करके और यहीं पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद में आप चाहो तो इसके अंदर एक न्यू फोल्डर आप बना सकते हो, उसके अंदर आप हिंट में लिख सकते हो एमएस इंटरप्राइजेस जो आपको सेंड करना है। तो उसके बाद में अभी आपने जो कॉपी पेस्ट किया था इस डाटा को यहाँ से कट करके और इसको हम इस रिकॉर्ड में पेस्ट करेंगे, और उसके बाद में इसके बाद इसके आगे ऑप्शन जो आ जाएगा कॉपी का, ये कॉपी का ऑप्शन आपको यहाँ से हटा देना है, यानी कि इसको रीनेम कर देना है, और रीनेम के बाद में बिल्कुल लास्ट की जो डिजिट अच्छा है तक यहाँ तक आपको सेव करना है, और उसके बाद में इस फोल्डर को आप करोगे सेंड टू और कॉम्प्रेस्ड, तो ये फाइल आप सीए को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर हम इसको सबसे पहले बात करते हैं भी इसको हमने कॉम्प्रेस क्यों किया, अगर हम इसको कंप्रेस नहीं करते तो आप जब भी डाटा फोल्डर करते हो तो ये अलग अलग डाटा आपको सारा सेंड करना पड़ता, तो इसमें से हो सकता है कोई फाइल मिस भी हो सकती थी, या कोई फाइल हो सकता है प्रॉपर सही तरीके से मेल ना हो पाए, तो इसलिए आपको जो डाटा का फोल्डर है कोड का उसको कॉपी करके और उसका आपको कॉम्प्रेस एक जो फोल्डर वो बना लेना है, और ये आपको कॉम्प्रेस फोल्डर ही आपको सेंड करना है ताकि प्रॉपर सारा रिकॉर्ड वहाँ पर पहुँच जाए। सेकेंड तरीका आपके पास ये है भी, अब आप चाहो तो इस सिंगल कंपनी का बैकअप भी सेंड कर सकते हो, तो बैकअप के लिए आपको करना क्या होगा, मान लीजिए अब उसके बाद में आपको कोई भी कंपनी एक बार ओपन कर लेनी है, जैसे कि हमने इसी कंपनी को ओपन कर लिया,
और उसके बाद आपको जाना होगा इस कंपनी के सॉरी इस डाटा के ऑप्शन पे। तो डाटा के ऑप्शन पे जाने के बाद ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे बैकअप का, तो आपको बैकअप पे जाना होगा। और उसके बाद में आपने बैकअप कहाँ पे कौन से फोल्डर पे आपके रखना है वो डिटेल आपको रखनी है। तो मान लीजिए आपने सी ड्राइव के अंदर बैकअप रखना है और उसका नाम हम दे देते हैं एक बार एमएस एंटरप्राइजेस, यानी कि शॉर्ट नाम आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो अपनी सुविधा के लिए। तो इस लोकेशन पर रहेगा। उसके बाद में यहाँ रहेगा डू यू वांट क्रिएट, क्योंकि ये फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट नहीं है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अब उसके बाद में आपको बैकअप रखना है यहाँ पर, और उसके बाद में कौन सी कंपनी का बैकअप देना है तो उस लिस्ट ऑफ कंपनी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको 6 नंबर का डाटा ही सेंड करना है तो इस 6 नंबर का आप सिंगल का बैकअप लेना है और एंड ऑफ लिस्ट करके सेंड कर सकते हो। तो अब ये हमारा सी ड्राइव के अंदर एक बैकअप के नाम से एमएस एंटरप्राइजेज में बैकअप के नाम से फोल्डर ये क्रिएट हो गया जो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। इसको ओपन करेंगे तो ये केवल सिंगल फाइल आपकी TBK900 के नाम से क्रिएट हो गया, और इसके साथ में इसका कोड भी दिखाई दे रहा है 1006 का ये बैकअप है। तो अब ये जो बैकअप अगर आप सेंड करोगे तो चाहे आप सीए के ऑफिस में कर रहे हो चाहे आप एडवोकेट के ऑफिस में सेंड कर रहे हो तो वहां से इस डाटा का रिस्टोर कर लिया जाता है। तो ये तो था टेली सॉफ्टवेयर में हमें बैकअप किस तरीके से लेना होता है या हम डाटा किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीजी सॉफ्टवेयर की। तो बीजी सॉफ्टवेयर में भी आपको उस कंपनी के आगे कोड दिखाई देगा, आप जाओ तो सिंगल उस कोड को कॉपी कर लेंगे हम। अब मान लीजिए हमारे पास जैसे कि ये स्मार्ट इंटरप्राइजेस का डाटा हमें सेंड करना है और इसका जो कोड है वो COMP0008 का है। अब ये जो हमारा डेटा है वो इस लोकेशन पर है CBG118 और डेटा का, तो हमें ये 8 नंबर का डाटा को कॉपी करना है। तो वापस सी ड्राइव पे जाएंगे, VG18 पे जाएंगे और उसके बाद में डेटा और उसके बाद में 8 नंबर का ये फोल्डर, तो इस फोल्डर को हम कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले आप इसका फाइल साइज आप चेक कर लीजिए, अगर फाइल का साइज ज़्यादा है, मान लीजिए अब इसका फाइल आप देख रहे हो 23 MB का फाइल है, यानी कि काफ़ी एक तरीके से हम बड़ा फाइल कह सकते हैं। तो हो सकता है ये प्रॉपर ईमेल पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम भी लग सकता है इसके अंदर। तो अब आपको करना है इस तरीके की, अगर बड़ी फाइल बन जाए आपके पास में तो आपको बैकअप ले लेना है सिंगल कंपनी का, क्योंकि बैकअप की फाइल बहुत ही शॉर्ट बनती है। तो बैकअप लेने के लिए हम सबसे पहले उस कंपनी को ओपन कर लेंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको बैकअप ले सकते हो। कंपनी पर जाओगे तो आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा बैकअप डाटा का, तो आपको बैकअप करना है और बैकअप के बाद आपसे कंपनी पूछेगा कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है, तो उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में आपको यहाँ पे पाथ है जो सेलेक्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं इसको सी ड्राइव का पाथ ही दे देता हूँ। और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर, तो ऑल फाइनेंशियल रखना है या कोई सिंगल फाइनेंशियल ईयर का डाटा सेंड करना है तो आप ऑल कर दीजिए इसमें, और इसको हम कर देंगे ओके। तो उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट बैकअप का, भी बैकअप फाइल कंपनी स्मार्ट इंटरप्राइजेज एट लोकेशन सी ड्राइव ओके। तो ये अब हमारा ये बैकअप है जो सक्सेसफुली बैकअप अप टू डाटा फॉर द कंपनी स्मार्ट इंटरप्राइजेज का ये सारा आ चुका है, इसको हम करेंगे यस। वापस सी ड्राइव में हम चलते हैं, तो जैसे हम सी ड्राइव में जाएंगे तो अब इस सी ड्राइव के अंदर जो हमारा डेटा का जो बैकअप की फाइल बनी है वो इस नाम से बनेंगे data.bkp। तो अब इसका जो फाइल का अगर साइज हम देखें तो 456 KB, यानी कि बिल्कुल छोटी सी फाइल एक बन चुकी है। तो हम इसको भी वहाँ पर ईमेल के थ्रू इसको सेंड कर सकते हैं, जैसे ये सीए के ऑफिस में जाएगा तो वहाँ पर सीए के ऑफिस के अंदर इस डाटा को यहाँ से इस रिस्टोर वाले ऑप्शन से डाटा को रिस्टोर कर लिया जाएगा। तो ये आपका जो डाटा वो वहाँ पर प्रॉपर सही तरीके से रन करना स्टार्ट कर देगा। और बात करते हैं मारक सॉफ्टवेयर की, तो मारक सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपकी लिस्ट ऑफ कंपनी आपको दिखाई देगी। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर केवल सिंगल कंपनी है, तो आपके पास में टेलीबीजी की तरह काफ़ी और कंपनियाँ भी हो सकती है। तो अब अगर आपको बैकअप लेना हो तो इस कंपनी के ऊपर जाके आपको F8 बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे हम F8 बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा बैकअप फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको यहाँ पर बैकअप ले लेना है सिंपल। और बैकअप लेने के लिए बाद आपका सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा, फ्रॉम टू लेके कहाँ तक का डाटा देना है, ओके प्रेस करेंगे। बैकअप ऑन हार्ड ड्राइव पे ही लेना है और उसके बाद में यहाँ पर भी हमें फाइल की लोकेशन देनी पड़ेगी सी ड्राइव में। तो अब आपका जो सी ड्राइव के अंदर जो डाटा जाएगा वो इस नाम से बैकअप फाइल है जो तैयार होगी
सी ड्राइव के अंदर FMCG demo.slash/2017401 ये सब इस तरीके का कोड जनरेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये डाटा हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अब वापस हम सी ड्राइव को ओपन करके देखते हैं। तो अब सी ड्राइव के अंदर ये अभी हमने जो क्रिएट किया था ये वाला, तो ये एक तरीके का मारक सॉफ्टवेयर का डेटा का फाइल बन गया। तो आप इस तरीके से दो कंपनी का, तीन कंपनी का, चार कंपनी का वन टाइम एक साथ भी आप बैकअप ले सकते हो। तो ये देख रहे हो इसकी फाइल भी बहुत ही शॉर्ट फाइल बन गई है। तो ये भी ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हम इजीली सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।